नाम बताएं अपना, कौन है, कहां से बोल रहे हैं भाई? वीडियो आ रही है आपके पास? अब आपकी फोटो आ रही है, आप बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम उस्मान अली, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। बताइए, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, बताइए क्या क्या मसला है? आपसे, बस कुछ जानना था कनाडा वीजा के हवाले से। जी पूछे, अपने सवाल पे आए। जी हाँ, मैं एक एजेंट को जानता हूँ, वो आईसीसीआरसी इमिग्रेशन एजेंट है कनाडा से। जी तो उन्होंने कहा है कि वीजा फीस पे करनी पड़ेगी हमें, वर्क परमिट के लिए वीजा फीस पे करनी पड़ेगी। बट वो कनाडा में बैठे, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, बोल रहे $500 पे करना पड़ेगा आपको वीजा फीस। जॉब किस चीज की है जी? आपको आवाज आ रही मेरी, सुन रही कि नहीं? जी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज जी। जॉब किस चीज की है, नौकरी मिल दे रहे हैं आपको? जी हाँ, जॉब बोल रहे हैं, जॉब भी आपको, जॉब ऑफर भी देंगे आपको, और आपका वो LMIA भी वो करेंगे, मतलब कि 20-25 दिनों में, बोल रहे हैं 1 महीने के या 1.5 महीने के अंदर ना आपको वीजा मिल जाएगा। सर जी जब वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, आप मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे से क्या वो खुलासा करना चाहते हैं? सर मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या, अब मैंने उनकी आईडी चेक भी की है, वो रेगुलेटेड कंसल्टेंट ही है, मैंने उनका चेक किया इंटरनेट पे तो। लेकिन यकीन करने वाली बस बात है कि वो बोल रहे हैं पाकिस्तानी 82,000 रुपीस बनते हैं $500। उनसे चार पांच सवाल, आप उनसे पूछ लें, और उनसे आप पूछ लें, चाहे मैं आपको लिखवा देता हूं, अगर आपको कागज पेंसिल है तो लिख लें। पहली बात तो सवाल उनसे ये पूछें कि आपने पाकिस्तान से ऐसे कितने वीजे लगवाए हैं इस साल में या पिछले साल में। जी, दूसरा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी के वीजे लगे हैं तो उनके कोई क्लाइंट आपका है जो पाकिस्तान से अभी कनाडा पहुंचा हो, उनका अगर एक आध कोई नंबर दे देते तो बड़ी मेहरबानी, हम उनसे डायरेक्टली बात कर लेते, तो दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि जितनी भी आप फीस ले रहे हैं, आप फीस लें, लेकिन फीस की आप रसीद देंगे मेरे को कि नहीं देंगे? रसीद मतलब कि एक इनवॉइस वाला देंगे कि देंगे, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये है कि कोई रिटेनर एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे कागज में जिसमें आपके सिग्नेचर होंगे या मेरे सिग्नेचर होंगे, ये चौथा सवाल है। चार सवाल हो गए। पांचवा सवाल ये है कि आप मेहरबानी करके मेरे को कोई एक सैंपल दे देंगे कि इस तरह का जॉब होगा, जॉब में करेंगे क्या, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या कंडीशंस हैं, कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पर नौकरी होगी, वो स्किल जॉब है, अनस्किल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ये सब पूछने। अगर आप ये पांच सवाल पूछ लेंगे उनसे तो मेरे ख्याल है कि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।